नमस्ते, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी चैनल फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज हम बनाने वाले हैं चिली फिश, तो चलिए देख लेते हैं उसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने छोटे रोहू फिश लिए हैं, आप चाहें तो बड़े फिश के पीसेस भी ले सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा नींबू का रस, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें मछली में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अब इसको 30 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। चलिए बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और हरे प्याज बारीक कटी हुई। अब गर्म तेल में मैरिनेट की हुई फिश डाल के हम फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से पलट के गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसको हम अच्छी तरह से तेल में फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन अभी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, इसको मिला लेंगे, शिमला मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे और मिर्च। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये टोटली ऑप्शनल है। और सारी सब्जियों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और हम सारी सब्जियों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारी मछली के अंदर पूरी तरह से मसाले चले जाएं। अभी मछली डाल देंगे। पूरी रेसिपी में हमें कहीं पे भी ढक्कन ढक के नहीं पकाना है। सारे फिश को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो फिश के अंदर अच्छी तरह से जा सके। इसको बार बार पलटना है। प्याज का फ्लेम मीडियम हाई पे रहना चाहिए। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरा प्याज। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। फाइनली इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसको भी मिला लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। हमारी चिली फिश बनके तैयार है। आप इसको आज स्टार्टर भी खा सकते हैं या फिर रोटी और राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।